फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताविंदा के ब्लॉग्स। मेरा नाम है ताविंदा और मैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा ज़िले की रहने वाली हूँ। आज आप देख सकते हैं कि मौसम का क्या हाल बना हुआ है। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, बट इस हरियाली के पीछे आप देख सकते हो आसमान की तरफ कितना बुरा हाल है। यहाँ पे मौसम का इतना बुरा हाल है कि काफ़ी ज़्यादा तबाही मचाई हुई है बारिश ने। और आज बहुत दिन के बाद, मतलब 3 दिन के बाद फिर से यहाँ पे बारिश आने वाली है। और कहीं ना कहीं लोगों को बहुत ज़्यादा डर है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ था 3-4 दिन पहले। और 3-4 दिन से यहाँ पे ना पानी है ना बिजली है, और आज वैसा ही माहौल यहाँ पे आसमान की तरफ देख सकते हो वैसा बना हुआ है। और इसको देख के कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है हमारे। काफ़ी जो फ्लड आने की वजह से पुल वगैरह जो है बह गए हैं, और यहाँ पे काफ़ी दिन से 3-4 दिन से ना बसें आ रही है ना कुछ, कोई फैसिलिटी जो है नहीं है। तो मैं आपको छोटा सा आंगन दिखा देती हूँ अपना, जहाँ पे हमने किचन गार्डन लगा रखा है। ये देखो, ये है भिंडी, यहाँ पे छोटी छोटी भिंडियाँ लगी हुई है। और आपको पता ही है कि हिमाचल प्रदेश में जो अपनी जो सब्जियाँ होती है उसका टेस्ट जो अलग ही होता है। ये है कच्चा आलू, कच्चा आलू जो है इसका जो है एक मतलब साग भी बनता है, और एक पत्रोड़े जो है हिमाचली ट्रेडिशनल डिश है वो भी बनती है। और ये देख सकते हो आप मक्की, मक्की जो है इसमें मक्की लगने की तैयारी हो गई है। मैंने पपीते का पेड़ लगाया, वो जो काफ़ी जो बड़ा हो चुका है। और इसके साथ में ही आप देख सकते हो कड़ी पत्ता है, और इसके साथ हमने कलाट लगाया, बहुत सारी चीज़ें जो इकट्ठी हो गई है। और साथ में ही यहाँ पे जामुन का पेड़ भी है, आप पपीते देख सकते हो, अब काफ़ी बड़ा पेड़ हो चुका है। तो इसमें बिल्कुल छोटे छोटे पपीते लगे हैं जो यहाँ से दिख भी नहीं रहे हैं इतनी क्लैरिटी के साथ। किचन गार्डन के साथ साथ यहाँ पे छोटा सा फ्लावर गार्डन भी बन गया है, क्योंकि यहाँ पे हमने पानी जो है आता रहता है, और यहाँ पे हमने छोटे छोटे गुलाब लगाए हुए हैं। ये छोटा सा जो है छोटा प्लांट का पौधा है, इसके साथ में हमने मनी प्लांट लगाए हुए हैं, क्योंकि बरसात में इनको अलग अलग कर देंगे, अलग अलग जो है इसमें गमलों में डाल के इनको अलग अलग कर देंगे, क्योंकि बरसात में कोई भी जो भी पौधा लगाओ वो लग जाता है इजीली। इसके साथ ही देख सकते हो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे किनरू, जो भी आप बोलते हो अपनी लैंग्वेज में, उसकी बेल लगाई हुई है, जो है वो काफ़ी आगे तक छा गई है। ये जो शहतूत का पेड़ है उसके ऊपर चढ़ के काफ़ी, जब यहाँ पे काफ़ी मात्रा में लगते हैं तो पूरे गांव वालों को हम बांटते हैं, और सारे गांव वाले जो है सब्जी का आनंद लेते हैं।
साथ ही हमने लगाई है यहाँ पे तोरियों की बेल, जिसमें अभी तक तो हो रही है तो नहीं लगी, बट थोड़े दिन के बाद यहाँ पे सब्जी लगना जो है स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि सब्जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बरसात के मौसम में, क्योंकि बरसात के मौसम में हिमाचल में जो है सब्जी मिलना बहुत मतलब एक तो महंगी भी होती है और मुश्किल भी है जुगाड़ करना बारिश के मौसम में, दुकानें वगैरह काफ़ी ज़्यादा बंद रहती है, तो ऐसे में घर की जो बनी लगी हुई सब्जी है उसका ही जुगाड़ करके हम लोग बनाते हैं खाते हैं। और यहाँ पर घीये की बेल लगी हुई है, जो यहाँ पे इतने ज़्यादा पेड़ है ना उसके ऊपर चढ़ के सारी जगह पे, अंदर को एक पेड़ है जहाँ पे उसके नीचे जो है बीज लगाया था हमने एक घीये की बेल का, तो वो देखो यहाँ से लेके पूरे तीन चार जो पेड़ है यहाँ पे, खट्टे का पेड़ है जिसको बोलते हैं गलगल, और नींबू का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है यहाँ पे, जहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे अमरूद भी लगे हुए हैं यहाँ पर आजकल कीड़े होते हैं तो खाते नहीं हैं इनको, बरसात में कीड़े पड़ जाते हैं अमरूद में, ऐसे देखने में बहुत डिलीशियस लग रहे हैं, मन तो कर रहा है खाने का। और ये जो बेल है घीये की वो यहाँ से होते हुए वो ऊपर तीन चार पेड़ को क्रॉस करके ऊपर चढ़ गई है, और यहाँ पे इतने ज़्यादा घीये लगे मतलब कि आप दो दो तीन तीन किलो के घीये थे, इससे भी ज़्यादा जो घीये थे, और यहाँ मतलब कि सभी गांव वालों को जो वो पीस पीस काट के जो जिसका जिसकी फैमिली बड़ी होती है उसको मतलब आधा घीया दे दिया या पूरा घीया दे दिया या कट करके मतलब जो है स्लाइसेस करके उसको पूरे गांव में बांटते हैं। और यहाँ पे हिमाचल में ऐसे ही सब्जियों का जुगाड़ होता है, जिसके घर में जो सब्जी लगती है वो मतलब उन सब्जियों को सभी गाँव वालों में बांटते हैं। तो गाइस दिस इज़ माई फर्स्ट फैमिली व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नए व्लॉग बनाने की, और ये फर्स्ट व्लॉग है पता नहीं कैसे बना होगा, और इसमें फीडबैक ज़रूर देना कमेंट में।